सोमवार को संभाग कमिश्नर सोनमणि बोरा ने जिला कलेक्टर कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। पूर्व निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों का जायजा भी उन्होंने लिया। सोमवार को पूरे दिन उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यालय के राजस्व कार्यालय, तहसील, रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया और निर्देश दिए। संभाग कमिश्नर सोनमणि बोरा ने पिछले दिनों कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया था और कार्यालय में साफ सफाई के अलावा व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे। वहीं दस्तावेजों को संभाल के रखने, फाइलों के रखरखाव को लेकर भी बेहतर व्यवस्था करने कहा गया था। इन्हीं सभी बिंदुओं पर कलेक्ट्रेट की व्यवस्था का जायजा लेने सोमवार को उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कार्यालय की व्यवस्था को लेकर संतुष्टि जाहिर की, वहीं पेंडिंग कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने, पर्दे लगाने के लिए निर्देशित किए। बिलासपुर जिले के कलेक्ट्रेट और तहसील मुख्यालय जो बिलासपुर है और अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर के दफ्तरों का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा की जा रही है और लगभग हमने पिछले मार्च महीने में हमने इसका वार्षिक निरीक्षण किया था। उसके बाद जो जो दिशा निर्देश दी गई थी या सुझाव दिए गए थे उस पर कितना अमल हुआ, उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, उसी को देखने के लिए निरीक्षण के लिए हम लोग पहुंचे हैं। इस वार्षिक निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय को व्यवस्थित रखने निर्देश दिए। वहीं समय पर कर्मचारियों को कार्यालय में पहुंचकर कार्य करने कहा गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजीयक भी देखी, बैठक व्यवस्था का भी जायजा लिया। साथ ही कार्यालय आने वाले लोगों के लिए बैठक, पीने के पानी की उपलब्धता के साथ जल्द से जल्द काम पूरा कर राहत देने निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर अनबलगन पी सहित विभाग प्रमुख एवं प्रशासनिक अधिकारी यहां मौजूद रहे। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर।